हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की व्लॉग होने वाली है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, क्योंकि आज हम लोग ट्रैवल करेंगे एम्स्टर्डम तक जर्मनी से। सो हमने फ्लिक्स बस के थ्रू अपने टिकट्स बुक करी थी और हमें लगभग 130 यूरो पर पर्सन टिकट के प्राइस आए। सो हमने अभी टैक्सी बुक कर ली है, टैक्सी आ रही होगी, फिर हम लोग टैक्सी से जाएंगे फ्रैंकफर्ट मेन, वहाँ पे हमारी बस है और फिर हम लोग बस के थ्रू एम्स्टरडेम जाएंगे। सो लगभग हमारी ट्रिप 7 to 8 आवर की है, लाइक फ्रैंकफर्ट से एम्स्टरडेम की। लेकिन हमने वो टिकट रात की है। चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइज, हमारी कार आ चुकी है और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे फ्रैंकफर्ट मेन। और हमारी जैसे मैंने बोला कि हमारी बस की टिकट हमने कराई है। बस लगभग लाइक 1 बजे है। चलते हैं वहाँ पे बस पे बैठ के, फिर मैं वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइज, हम लोग फाइनली बैठ गए अपने बस पे और वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है अब स्टेशन पे, टिकट चेक करानी होती है, पासपोर्ट चेक कराना होता है, वो सब में थोड़ा बहुत रश हो जाता है। अभी हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी एम्स्टर्डम की शुरू हो चुकी है। और मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाले हैं क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखना चाह रही हूँ। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और आपको हम लोग डायरेक्ट एम्स्टर्डम में मिलेंगे। कीप वॉचिंग। सो गाइज, फाइनली वी आर इन एम्स्टर्डम एंड दिस इज हाउ एम्स्टर्डम लुक्स लाइक। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि ये जो लवर्स कैनाल क्रूज है हम वो करें। इसमें क्या होता है ना, क्रूज से साइट सीन कराते हैं। हम लोग क्रूज पे बैठ गए हैं और हम लोग जो भी फेमस स्पॉट्स है वो इसमें एक एयरफोन दिया हुआ है, वो उसको आपको कनेक्ट करना है और वो जो भी फेमस प्लेसेस आएगा वो आपको उसके बारे में बताएगा, उसकी हिस्ट्री बताएगा। और ये जो कैनाल्स हैं एम्स्टर्डम के वो बहुत ही पुराने और बहुत ही फेमस है। सो लेट्स गो विद मी। कनाल क्रूजिंग के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग सिटी एक्सप्लोर करेंगे नियर बाई में। अभी हम लोग यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है ये रॉयल पैलेस है एम्स्टर्डम का, और इसके थोड़ी बगल में एन फ्रैंक हाउस है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर का आपको ऐसा थोड़ा बहुत व्यू दे रही हूँ और उसके बाद चलते एन फ्रैंक। हम लोग फाइनली एन फ्रैंक हाउस पहुँच गए और ये सामने वही बिल्डिंग है और मैं एन फ्रैंक से बहुत रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन में क्लास 10th में उसके बारे में पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा था आज मैं उसको सामने से देख पा रही हूँ। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारी एक बुक भी थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन फ्रैंक, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट तब हुई थी जब हम लोगों ने स्मार्ट लैब में जाके इसकी वीडियो देखी थी। हम लोग बहुत ही उस दिन खुश हुए थे। और अभी मैं यहाँ सामने से सब कुछ देख रही हूँ, उसके बुक, उसके ड्रेसेस और भी सारी चीज़ें जैसे वो यूज़ किया करती थी, उसकी डायरीज, मॉन्यूमेंट्स, सब कुछ देख के मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। या ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ
यहाँ के बाद हम लोग आ गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल, और अभी हम लोग जाएंगे अपने होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज ही हम लोग आए थे और आज ही इतना घूमना हो गया। सो या आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने डे टू का टूर करेंगे। सो बाय। Like, share and subscribe.